दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्नल केबल्स और कंट्रोल केबल्स के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर सिग्नल केबल की बात करें तो सिग्नल केबल का इस्तेमाल फील्ड इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल सिस्टम के बीच एनालॉग सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। ये एनालॉग सिग्नल 4 टू 20 मिली एम्पियर का लो करंट या 0 टू 24 वोल्ट का वेरिएबल लो वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, जबकि कंट्रोल केबल का इस्तेमाल फील्ड डिवाइसेस और कंट्रोल सिस्टम के बीच कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। कंट्रोल केबल भी लो वोल्टेज सिग्नल कैरी करते हैं, लेकिन कंट्रोल केबल का इस्तेमाल 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल भेजने के लिए नहीं किया जाता। इन केबल्स का इस्तेमाल कंट्रोल सिग्नल्स जैसे ऑन ऑफ कमांड्स या फील्ड डिवाइसेस के ऑन ऑफ स्टेटस भेजने के लिए किया जाता है। दोस्तों सिग्नल केबल का इस्तेमाल मोस्टली तीन प्रकार के सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। पहला सिग्नल है प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर या किसी दूसरे ट्रांसमीटर का 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल। दूसरा सिग्नल है किसी थर्मोकपल का मिलीवोल्ट सिग्नल, या फिर तीसरा सिग्नल है किसी आरटीडी का रेजिस्टेंस सिग्नल। जबकि कंट्रोल केबल का इस्तेमाल निम्न दो प्रकार के सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। पहला सिग्नल है पंप्स, मोटर्स, एक्चुएटर्स, रिले, अलार्म्स आदि के ऑन ऑफ कमांड या कंट्रोल सिग्नल। दूसरा सिग्नल है स्विच, कॉन्ट्रैक्टर, पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, लिमिट स्विच या किसी दूसरे स्विचेस के ऑन ऑफ स्टेटस। दोस्तों जैसा हमने देखा कि सिग्नल केबल एनालॉग सिग्नल कैरी करते हैं, इसीलिए इन्हें एनालॉग फील्ड इंस्ट्रूमेंट और पीएलसी या कंट्रोल सिस्टम के एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच में कनेक्ट करते हैं, जबकि कंट्रोल सिग्नल आमतौर पर डिजिटल या ऑन ऑफ सिग्नल कैरी करते हैं, इसीलिए इन्हें फील्ड डिवाइसेस और पीएलसी या कंट्रोल सिस्टम के डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। दोस्तों सिग्नल केबल्स हमेशा शील्डेड केबल्स होते हैं, जिससे कि इन केबल्स में फ्लो कर रहे सिग्नल को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या नॉइज से बचाया जा सके। अधिकतर सिग्नल केबल्स के इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड होते हैं, जिससे सिग्नल में क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, जबकि अधिकांश कंट्रोल केबल्स में शील्डेड और ट्विस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में कंट्रोल केबल्स शील्डेड हो सकते हैं। दोस्तों अधिकांश सिग्नल केबल पेयर केबल होते हैं और ये सिंगल पेयर और मल्टी पेयर साइजेस में उपलब्ध होते हैं। सिग्नल केबल के पेयर में इंडिविजुअल, ओवरऑल या इंडिविजुअल और ओवरऑल दोनों प्रकार की शील्डिंग हो सकती है। जबकि कंट्रोल केबल में मल्टीपल इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, इसीलिए कंट्रोल केबल को मल्टी कोर केबल भी कहते हैं। इन केबल्स में शील्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसा हमने पहले बताया कुछ कंट्रोल केबल्स में शील्डिंग की आवश्यकता हो सकती है।